चैलेंजिंग, और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी फिल्में आज तक की हैं इतना चैलेंजिंग मेरे लिए कोई भी काम था, और इतना डिफिकल्ट, और मुझे नहीं लगता मैं इतनी नर्वस कभी हुई होंगी, क्योंकि झूठ। नहीं, सच्ची गल है। मैं आई थिंक, अच्छा हाँ जी, एक्चुअली हुण मैनूं 10 साल हो गए काम कर रही हूँ, सो मे बी थोड़ा जहा ज़्यादा ही 10 साल। तो मैं पंजाबी च ही काम किया है, हिंदी भी नहीं की हले तक, जबकि मैं हिंदी बोल लैनी हाँ सारा कुछ हाँ। लेकिन हरियाणवी, मैं कदे हरियाणा गई नहीं सी, कोई मेरा हरियाणा तो फ्रेंड ही नहीं सी, सो मेरे लिए बहुत नवी लैंग्वेज सी। जिन्नी का हरियाणवी मैं सुनी सी वो फिल्मों से सुनी सी, सो बहुत अलग चीज़ थी, बहुत डिफरेंट था। तो पहले तो मैंने बोला इनको कि ये आप मुझे क्यों चुन रहे हैं इसके लिए, यू नो, बट थैंक यू सो मच टू द प्रोड्यूसर्स, माई सच्ची बहुत डायरेक्टर। मेहनत की है, फिर सच्ची जोरदार ताड़ियां भाई मान लिया जिन्हें इन्हें मेहनत की है। लिटरली मेरे दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, सच्ची बहुत मेहनत हुई है। मतलब लैंग्वेज ते मतलब स्पेशल ट्रांसलेटर सी साडे नाल मैडम, ते सिंगल सिंगल वर्ड ते डायलॉग याद करने, उन्हां नूं उस मतलब उस लेवल ते बोलना परफॉर्म करना बहुत औखा हुंदा जी किसी भी आर्टिस्ट लई एक नवीं लैंग्वेज कोल। हुण जिवें सानूं हिंदी बोलण लगे मौत पै जांदी है, सो तां करके इहनूं हरियाणवी उहदे च छोटे 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 वर्ड लावां दीआं दलावां बणाउणियां, सो तां करके मतलब बहुत ज्यादा औखा सी। एक्चुअली सो मेरे थैंक यू। लिए एक और चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि मेरी पंजाबी बहुत ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी, पंजाबी ठीक है। तो मुझे मैम को मुझे करेक्ट करना पड़ता था कि कभी कभी पंजाबी निकल जाती थी बीच में, सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग दैट इट शुड नॉट साउंड हरियाणवी। सो ऑल थैंक्स टू द टीम एक्चुअली, सुनीता मैम फॉर श्योर। सो बट एंड वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड जब आप कुछ अलग करते हैं तो ना उसमें नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टेक्स आर हायर, बट आई एम सो ग्लैड दैट द एंटायर टीम चोज समथिंग सो चैलेंजिंग, एंड आई जस्ट होप दैट यू नो इट्स दिस फिल्म इज नॉट जस्ट फॉर पंजाब एंड हरियाणा। इन आर कंट्री वी हैव सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, और मुझे लगता है कि पंजाबी और हरियाणवी पूरे देश में सबको बहुत पसंद भी है और सबको समझ भी आती है। सो वी जस्ट थॉट दैट यू नो दीज टू कल्चर्स दे खुला ईद एंड वी मेक समथिंग विल बी सो मच फन टू वॉच। सो वी जस्ट डन दिस एंड नाउ इट्स योर्स।